नहीं आएंगे? पेपर तो भी दे दिया है लेकिन मज़े नहीं आया यार पेपर देने के बाद। मज़े बोलूँ तो क्वालिफाइंग इन नेचर है लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए था वो आया नहीं। सेटिस्फेक्शन की बात करूँ तो जो सेटिस्फेक्शन सीपीओ का पेपर देके भी नहीं आया, ना स्टेनो का पेपर देकर आया। मतलब जो तैयारी थी उस हिसाब से पेपर गया नहीं। पेपर आसान बता रहे हैं बट मेरे को मज़ा नहीं आया, मेरा घर गया नहीं। मतलब जो था उस हिसाब से इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल करके है बेगमपुर के अंदर, हम एग्ज़ाम देने आए थे और अच्छा तो नहीं है। एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना बिल्कुल भी नहीं किया। घर जाके बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्वेश्चन थे, एक और ऐसा रिव्यू देता हूँ घर पहुँच के। यहाँ फिलहाल हमारे यहाँ को रिलेटिव रहते हैं, वहाँ चलते हैं उनके पास, उसके बाद चलेंगे घर, फिर देंगे आपको अपना प्यारा प्यारा रिव्यू। व्हाट्सएप दास सर करके फैमिली, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और एक नंबर स्वस्थ होंगे। तो आज 8 दिसंबर और आज तुम्हारा दास सर करेगा देकर आए अपना सीजीएल का एग्ज़ाम। तो यार सीजीएल के बारे में आज का जो मेरा रिव्यू है वो बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को बिना सोचे सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना यार। तो अब बात करते हैं मेन जो थीम वीडियो का, दैट इज़ एग्ज़ाम का रिव्यू। तो यार जो बाकी सब जो बता रहे हैं, आज 8वां दिन चल रहा है एग्ज़ाम का, 1 तारीख से शुरू हुए थे। तो मैथ्स का लेवल वही अपना एवरेज था, एवरेज मतलब जो अगर तैयारी कर रहा है अच्छी खासी काफ़ी टाइम से उसके लिए एकदम मज़ेदार पेपर था। इनफैक्ट मैं अगर सच सच कहूँ तो सीपीओ से भी कम लेवल था आज के सीजीएल एग्ज़ाम का एंड इंग्लिश वॉज ओके ओके। एंड सच बात तो ये है कि मैं अपना पेपर ढंग से अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं कर पाया। मतलब एक वो एक सेटिस्फैक्शन एक आता है ना अंदर से पेपर देने के बाद कि हाँ, मतलब एकदम जितना अंदर था वो सारा निकाल के फेंक मारा वहाँ पे। वो एक जो चैन भरी जो नींद आनी चाहिए रात को वो नहीं आई, बिल्कुल नहीं आने वाली है। वो मज़ा नहीं आया सच सच, बिल्कुल कसम से बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आई एम वेरी वेरी अनसेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। एग्जाम का लेवल बहुत ही नीचे था बताया, आई नो, बट मुझे मज़ा नहीं आया अपनी परफॉर्मेंस से। आई एम अनसेटिस्फाइड विद दैट। तो मैथ्स का लेवल आसान था लेकिन जब भी नहीं हो पाया मेरे से ढंग से। एंड इंग्लिश वॉज ओके ओके। इंग्लिश के अंदर मतलब ये कि मैं सच कहूँ तो मैं शायद पेपर ही पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाया। इंग्लिश मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आई वॉज अनएबल टू केम बैक फ्रॉम समथिंग, मतलब सोच बैठे बैठे कहीं और निकल गया, फिर उस वजह से पूरा हो नहीं पाया यार अपना। एंड जीके, हाँ जीके यार बड़ी वियर्ड जीके थी। मतलब काफ़ी इतना मैंने करंट वगैरह पढ़ा था बट वो पढ़ने के बाद भी जो एक स्वाद जो आता है जीके पढ़ने का वो नहीं आया बिल्कुल भी। और रीजनिंग बढ़िया थी बट थोड़े कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे बट इट वॉज़ ओके ओके। ऑल ओवर अगर हम कहें तो बड़े ही आसानी से अगर 25 में से 22-23 क्वेश्चन रीजनिंग के बड़े आसानी से अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। और मैथ्स में तो सच कहें तो 25 के 25 के अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। एंड जीके के अंदर मतलब 15 क्वेश्चन मतलब करे जा सकते थे आज की अगर हम बात करें तो। मेरा थर्ड शिफ्ट के अंदर था ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल, रोहिणी बेगमपुर में मेरा एग्ज़ाम था। एग्जामिनेशन सेंटर ठीक ठाक है यार अपना जो भी था वो, और इंग्लिश तो पूरी देख ही नहीं पाया। तो कुल मिला के मेरे अटैम्प्ट्स बहुत ही कम थे। मतलब अगर सीपीओ जितना भी मेरा एग्ज़ाम अच्छा चला रहता तो मैं काफ़ी खुश रहता बट, और कल ही अभी मेरिट आउट हुआ हूँ सीएचएसएल से तो खैर मतलब कुल मिला के मज़ा नहीं आया पेपर देखे। बस यही था एग्ज़ाम मेरे लिए, मेरी तरफ से एग्ज़ाम का रिव्यू। और बात करें अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यार बता रहे हैं ऐसा कि अब डिपेंड करता है यार। वो वही मैं चेक कर रहा था, सर्फ आउट कर रहा था पिछले साल के कंपैरिजन वगैरह, कितने बच्चे बैठते हैं, कितने फॉर्म पेपर वगैरह देते हैं। तो अगर ये लोग मेन्स एक ही दिन में कराएंगे और उसके अंदर भी अगर ये लोग 2 लाख बच्चे पास करते हैं जब, तो कट ऑफ अपनी थोड़ी कम ही रहेगी। लेकिन अगर थोड़े और कम पास करेंगे तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है भाई, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी आसान आ रहा है और एवरेज स्कोर हर बंदा मतलब 130 के आसपास तो ला ही रहा है, शायद 130-120 के बीच में। तो यार कट ऑफ शायद ज़्यादा भी आ सकती है बट मैं तो यही चाहूँगा ये कम आए और बस ये कि बस प्री निकल जाए जैसे तैसे, शायद आधे नंबर से निकल जाए, बस निकल जाए प्री, यही है मेरी तरफ से। और जिनका भी आने वाली और शिफ्टों में एग्ज़ाम उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड जिनको लग रहा है उनका प्री हो जाएगा आगे के लिए तैयारी शुरू कर दो यार। अपना तो खैर अभी डामाडोल सा केस है, मज़ा आया नहीं उतना, खैर जो भी है। तो एक ही लाइन अपनी, हसल करो बसड़ नहीं। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, द सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय, टेक केयर गाइज़।